नमस्कार, आईबीएन 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोयत। सीधी और लाइव तस्वीरें आप रोहतक की जीएनएल नहर से देख रहे हैं, जहां पर तीन युवक जो हैं नहर में नहाते वक्त दो युवक जो हैं नहर में बह गए हैं। फिलहाल तक प्रशासन तक ये बात पहुंचा दी गई, लेकिन प्रशासन यहां पर नहीं पहुंचा। परिवार के लोग जो है वो यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उनसे हम बात करेंगे। प्रशासन तक इन्होंने कई बार बात करने का प्रयास किया, लेकिन यहां अभी तक ना कोई गोताखोर पहुंचा, ना कोई प्रशासन की तरफ से इनके पास मदद पहुंची। तो इनसे बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम सर आपका? सत्यवीर कलसन सर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। मेरा लड़का राहुल कलसन सर, उम्र 22 साल, और एक उनका दोस्त हिमांशु नहर में डूब गए 1 बजे के करीब, और सभी प्रशासन को इतला दे दी गई थी। और अनिल विज से पीए से सीएम के रेजिडेंस से तेजेंद्र पाल ओएसडी से सभी का नोटिस में लिया दिया, लेकिन प्रशासन ने कोई यानी एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है, कोई कार्रवाई नहीं। से वो भी गई अब तो? हाँ, वो भी चली गई। SHO और वो अर्बन स्टेट कौन आया था, और कोई वो नहीं। तो कोई गोता फर्क कोई कुछ नहीं, नथिंग एल्स। मैंने खुद ट्राई की, हमने यहाँ को यहाँ से खुद रस्सा वगैरह लेके मेरे भाई रोर ने लड़के ने, लेकिन कोई तैरना नहीं आता। तेरे बेटे को तैरना नहीं आता था, ना हिमांशु को तैरना आता था। किसी ने बचाने का प्रयास करा? नहीं, किसी ने कोई प्रयास नहीं किया सर। किस तरह पता लगा? मेरे को, मैं कोर्ट से घर आया था सर, मेरा बेटा बड़े अमित कलसन, वो एक मैंने घर का काम करवा रखा थोड़ा सा, रिपेयरिंग वगैरह का। वो ऐसा रोड पे मेरे भांजे के पास गया हुआ था, उसने मेरे से फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे। नहीं, उन्हें किसने इतला दी थी? यहाँ से किसी का फ़ोन गया? नहीं, हाँ, यहाँ से एक भतीजे ने फ़ोन किया था, वो वैसे ऐसे दो लड़के। SPDC से बात हुई, उन्होंने कोई भेजा ना? कोई नहीं भेजा। आप कोई मदद नहीं प्रशासन? कोई मदद नहीं। तो क्या अपील करना चाहोगे, मतलब प्रशासन से क्या उम्मीद? प्रशासन से ये उम्मीद कर रहे हैं, हमारे बेटे की डेड बॉडी या जो भी है ना, उसको करके और मेरे को हैंड ओवर कर दिया जाए। और आगे से थोड़ा सा इसके प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि कोई है ना यहाँ ऐसा कोई रूल रेगुलेशन, कोई गोताखोर या उसकी की जाए। पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, 2 जज डूब के मर चुके हैं, और अरे पीछे भी एक लड़के की है ना 7 दिन के अंदर डेड बॉडी मिली थी। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है प्रशासन से और सरकार से, हाई अथॉरिटी से, यहाँ कोई ना कोई समाधान किया जाए। रोहतक प्रशासन ने आपकी कोई मदद? कोई मदद नहीं की। तो ये जो लड़का डूबा है उसके परिजन थे, आपको तस्वीरों में हमने दिखाया, लाइव तस्वीरें हम आपको JNL नहर से दिखा रहे हैं, जहां पर दो बच्चे जो हैं वो डूब गए हैं। लगभग 1 बजे की घटना है। जिला प्रशासन को सूचना दी गई थी, SP को, DC को, गृह मंत्री और जो CM के OSD उन तक भी सूचना दी गई थी, जो परिजनों ने बताया है, लेकिन अभी तक यहां पर सुध लेने वाला कोई भी नहीं पहुंचा। आप लोगों से अपील है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। तस्वीरें आप IBN 24 पर रोहतक से देख रहे, जहां परिजनों को आप देख सकते हैं, उनका रोकर बुरा हाल है, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आप लोगों से भी अपील है, वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। आपको बता दें, दो युवक थे जिनकी उम्र लगभग 22-23 साल बताई जा रही है, और ग्रेजुएशन पास उन्होंने अभी तक किया था, और उनके पिता हमारे साथ थे जो एडवोकेट हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन को हमने सूचना दे दी है, कि लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से हमारी कोई भी मदद नहीं की गई है। आप लोगों से भी अपील है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। तस्वीरें आप IBN 24 पर देख रहे हैं। प्रदीप कुमार, SDO इरिगेशन। क्या घटना? हमारे पास तो मैसेज आया था कि दो लड़के डूब गए हैं, ठीक है, पानी कम करवा जाए। तो मेरे इसी साहब से बात हुई, इसी साहब ने कहा मैं इसको बिल्कुल बंद करवाओ इसको। कितने बजे मैसेज मिला था सर? मेरे को मैसेज मिला था 3:30 बजे। 3:30 बजे के आसपास तो पानी रुकवा दिया? हाँ, पानी बिल्कुल हेड से क्लोज कर दिया। तो लगभग कितने बजे तक जो है पानी का बहाव कम हो जाएगा? परिवार के 1 घंटे के अंदर परिवार कह रहा है हमारी प्रशासन ना 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 1 घंटे के अंदर बिल्कुल बंद हो जाएगा। अभी तक तो नहीं रहा। मैं यहाँ सुनो मेरी बात, कमरा इस साइड में घुमाओ जी, यहाँ से ना 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 कैमरा इस साइड में घुमा भाई साहब। हाँ जी। ये पानी कितना कम हो रहा है देखिए, देखा बताइए कितना पानी कम हो रहा है। तो कई घंटे हो गए, अगर और किसी का लड़का होता ना, या तो पूरी बंद हो जाती। आपने एक बहुत साइड में दिखाओ पानी कितना कम हो रहा है। SDO साहब बिल्कुल नहीं, पानी देखो कितना कम हो रहा है। कई घंटे में यहाँ ना, अगर किसी हद से उसका लड़का होता ना, या तो उसी टाइम बंद होती। जब ये थे आपने कई घंटे हो गए, आपने कहा घंटे, मन भी पता है आपने केक रखा। भाई साहब नून दिखाओ पानी कितना कम हो रहा है, पता तो चल रहा भाई कितना पानी कम हो रहा है। कितनी देर हुई है? कई घंटे में हो रहा है, 6 इंच पानी कम नहीं हुआ भाई साहब। अरे वो तो यार इसका किसकी चाल लगी, ये तो श्रेयाम दिखा है। ले मैं कूद कर दिखाऊं जब मेरे भी ऊपर का नहीं जा, तो किसी मंत्री का या किसी उच्च अधिकारी का होता तो सब क्यों होता, या उड़े बलो को नीचे पाछे टूट जाओ।
बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अगर आप थोड़ी बहुत कोशिश करते आ रहे तो फोन करते, किसी ऐसे ही का लड़का होता ना, या तो बंद हो या चाहे पांच का को होता कर भेजे आपने तो वो तो कर हमारे पास ही होता भाई, तो को पास में कोई मदद होती होगी, फिर कोई कोई मदद होती होगी, पानी पानी बंद करवा इसको, पानी डाल, पानी बंद नहीं, अभी तक नहीं हो रहा जी, पानी बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं, पानी बंद, पानी बंद करो मेरे साथ, मैं कूद के दिखाऊं जब 6 फुट पानी इसमें भी है, दो घंटे बनाए ना हो गया कितने आप खड़े थे, आप यहीं खड़े हो गया, मैसेज दिए ने कितना कम हो रहा है यहाँ तस्वीरों में देखो, पानी का जो परिवार जो है लगातार आरोप लगा रहा, पानी कम नहीं हो रहा है, और जबकि SDO साहब कह रहे हैं कि हमने पानी कम करवा दिया है, पीछे से इसको बंद करवा दिया है, लेकिन परिवार का कहना है कि पानी कम नहीं हो रहा है, पानी कम होता तो यार कुछ कार्रवाई होती, SDO साहब कह रहे हैं आपने दिखाई दे रहा है सर, आपने नहीं दिखाई दे रहा पानी, आपने नहीं दिखाई दे रहा कितना पानी कम हो रहा है, बंद हो जाएगा सर पानी जी, इसका लाग एक घंटे में डाउन आ जाएगा, एक घंटे में डाउन आ जाएगा, ठीक अब ये तो है नहीं भाई, एकदम वो श्रीमान जी देखो हम सारी समझा है, जिसका लागे है ना, सुनो जी, सुनो जब की जिसका लागे है ना, जिसका लड़का है, जिसका लागे है उससे का दर्द हो है, बतरा जी के आने बाद, बतरा जी के आने से पहले आपने क्या किया ये बता दो, जिसका लड़का मरा है सारा दौड़ो फोन कर लिया, किसे साले ने वो नहीं करी, बोल किसे ने भी सुनाई नहीं करी हमारी, बता है 1 बजे की बात है, इब क्या टाइम हो रहा है, बोल काम खाई हूँ बन रहे हैं सारे DC ताई SP ताई सब ताई, ठीक है सारा प्रशासन सब के में वो कर दिया है, किसे ने न्यू नहीं आगे पूछा के क्या है भाई के नहीं है, पुलिस से वहाँ पुलिस एक बार आगे नरिया ले चली गई, बता अरे जब थारे गेला बने ने जब पता चले क्या चीज होती है इंसान, आपने वहाँ जाने की जरूरत नहीं, जिसका लाग गया उससे न पता होता है, हाँ आप लोगों से अपील है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, तस्वीरें आप IBN 24 पर रोहतक की JNL नहर से देख रहे हैं, जहाँ पर परिवार और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के SDO आमने सामने हो गए हैं, SDO का कहना है कि हमने जो नहर है उसको बंद करवा दिया और लगभग 1 घंटे में पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन परिवार का कहना है कि हमने इनको 1 बजे सूचना दे दी थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप लोगों से भी अपील है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, तस्वीरें आप IBN 24 पर रोहतक से देख रहे हैं JNL नहर से, जहां पर दो युवक जिनकी उम्र 20-22 साल बताई जा रही है, हिमांशु और जो सेक्टर 4 के एडवोकेट का लड़का है वो बताया जा रहा है, दो लड़के जो हैं इस नहर में डूब गए हैं और अभी तक प्रशासन की तरफ से इनको कोई मदद नहीं मिल रही, इस तरह के आरोप जो इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो SDO हैं प्रदीप, उनका कहना है कि हमारी तरफ से नहर को बंद करवा दिया गया है और 1 घंटे में लगभग जो है पानी नीचे तक आ जाएगा। आप लोगों से अपील है वीडियो को शेयर करते रहे, तस्वीरें आप IBN 24 पर देखें। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।